ये रिपल फोल्ड कर्टन का फ्रंट साइड है। इसमें यहाँ ये शेप, ये कर्टन की ये खासियत है कि आप इसको कितना भी फोल्ड कर लीजिए, ये आईलेट कर्टन जैसा ही फॉल देता है। तो आप इसको कितना ही खींच लीजिए, इसका फॉल बरकरार रहेगा, इसका फॉल नहीं बिगड़ेगा। और आपको मैं बता देती हूँ कैसा दिखेगा ये, आप देख सकते हैं इसका ये फॉल जो है, मैं कितना इसको खींचने का ट्राई करूँ खींचा नहीं जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ इसका। ये रिपल आईलेट कर्टन टेप का पीछे वाला हिस्सा है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो रिपल आईलेट कर्टन टेप है उसको अपनी जो 4 इंची वाली नॉर्मल कर्टन टेप होती है उस पर सिला गया है। और ये जो बटन जैसे आपको दिख रहे हैं ये आईलेट्स कहलाते हैं। अभी आपको क्या इसको फिटिंग आपको देखने के लिए, मेन तो ये एक की कॉम्पोनेंट है जो ज़रूरत होता है। इस ये सॉकेट में हम की कॉम्पोनेंट को ऐसे फिट करेंगे, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इस पर ऐसे जाके लॉक हो जाता है, तो ये फिट हो गया है ना। अब ये जो सॉकेट से डोरी लगे हुए ये ऐसे ही डिस्टेंस पे लगे हुए हैं कि आपका रिपल फोल्ड बन जाए। अब इन जो की कंपोनेंट को अपने ये आईलेट टेप में से लॉक कर देंगे, जैसा आपको दिख रहा है इस वीडियो में। अभी ये जो ये पार्ट होता है ऊपर का, इसको हम रिपल फोल्ड कर्टन ट्रैक में डालते हैं। ये ट्रैक है, इसको ट्रैक को ऐसे रहेगा ये, और ये ऐसे जाएगा। ये बैक साइड है अपना रिपल फोल्ड का, यहाँ पे आईलेट टेप है और यहाँ पे सॉकेट है। जैसे आप देख रहे हैं डोरी के कारण ये फॉल हमेशा बनाए रखेगा। इसमें आपका कपड़ा भी दुगना यूज होगा एंड इसमें आपका फॉल भी बरकरार रहेगा, इसका मूवमेंट भी सबसे स्मूथ है।